मैं निर्मल खत्री पावर टेक रेफ्रिजरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी फिलहाल आप जो जगह देख रहे हैं, मैं अभी हूं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। हमने यहां पर 2 टन का प्लांट दिया है जो फ्री ऑन गैस पे काम करता है। और आपको पहले भी पता है कि हम लोग फ्री ऑन गैस में ही प्लांट बनाते हैं, और ये फ्री ऑन गैस में 2 टन का प्लांट है। इसके अंदर टोटल क्वान्टिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें 40 ब्लॉक हमने दिए 50 किलो के। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसकी ब्लॉक की साइज है 8x16x39। तो आइए मैं आपको आगे प्लांट दिखाता हूं। अभी आप जैसे देख सकते हैं, मैं अभी जहाँ खड़ा हूं ना, ये एक्चुअल में 2 टन का कंप्रेसर यूनिट है, और टोटली 2 टन बर्फ जमाने के लिए इस कंप्रेसर यूनिट का यूज़ किया जाता है। ये इसकी जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंडल सिस्टम है, और आप इसमें टोटल देख सकते हैं कि बहुत सफाई से बिल्कुल ओके तरीके से काम किया हुआ है। और अब हम पीछे आते हैं, पीछे की तरफ हम देखेंगे कि पीछे क्या लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम एजिटेटर बोलते हैं। एजिटेटर का फंक्शन होता है सॉल्ट वाटर की टैंक के अंदर मूविंग करवाना। जब सॉल्ट वाटर मूविंग करता है तो उसी हिसाब से इसमें बर्फ जमता है। और आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये कूलिंग टावर है। ये हमारी मशीन जो यूनिट होती है उसके अंदर कंडेंसर यूनिट को ठंडा करने का काम है, वो कूलिंग टावर करता है। अभी जैसे आप ये पैनल के ऊपर देख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर की अभी बात करें तो ये कुछ समय पहले प्लांट चालू था, अभी हमने कुछ समय के लिए इसको बंद किया है। और ये टेम्परेचर आप देख सकते हो अभी -4 डिग्री है इसका। और मैं अभी आपको ऊपर चल के दिखाने वाला हूँ कि ये जो बर्फ अभी कंप्लीट इसके अंदर जमा हुआ है। और ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी 40 के 40 ब्लॉक हैं वो टोटल कंप्लीट ही जमे हुए हैं। और इस प्लांट को अभी फिलहाल जो है वो मनीष जी ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं भी मनीष जी को कहूंगा कि आप इस प्लांट को हमारे को एक एक बटन स्टार्ट करके बताएं कि आप किस तरीके से इस प्लांट को चला रहे हैं। और मैं इस प्लांट की बात करूं तो ये प्लांट पिछले 6 महीने से यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आज हम इसका रिव्यू जानने के लिए आए कि 6 महीने पहले जो प्लांट हमने यहाँ लगाया था उसका आज रिव्यू किस कंडीशन में वो प्लांट आज चल रहा है। और उसका रिव्यू आपको थोड़ी देर में मनीष जी देंगे भी कि ये प्लांट कैसे चल रहा है 6 महीने से। और अभी अपन नीचे उतरते हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी प्लांट चलाने वाला है या जो ऑपरेटर है, कोशिश रहती है कि हम उसी से पैनल या कोई भी फंक्शन ऑपरेट कराएं, ताकि उनको पता चले कि ये फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है। तो अभी मैं मनीष जी को बोलूँगा कि आप इसको ऑन करके दिखाएं, हमारे जितने भी रिव्यूअर्स हैं, जो भी हमारे पावर टेक रेफ्रिजरेशन की, ये पैनल किस तरीके से ऑपरेट करते हो आप? हाँ, ठीक है। इसके बाद कूलिंग टैंक को चालू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एजिटेटर भी चालू हो चुका है, और आप सामने देख सकते हैं कि कूलिंग टावर भी चालू हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये 50 किलो का जो ब्लॉक है अभी हमने टैंक से बाहर निकाल दिया है। और मैं मनीष जी से थोड़ा सा ही जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो बर्फ है इसकी क्वालिटी कैसी, मनीष जी इसकी क्वालिटी कैसी है बर्फ की? क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, A1 क्वालिटी है। और जब ग्राहक लोग आते हैं वो कोई कंप्लेन नहीं देते हमारे से, और ज़्यादा हमारा मटेरियल जा रहा है डेली, पर डे हमारे 30-40 किलोमीटर ही जा रहा है। और दूसरा बात पूछना चाहूँगा कि आप पहले अमोनिया प्लांट भी चलाते थे, तो अमोनिया प्लांट में जो बर्फ निकलती थी और हमारे फ्री ऑन में, आपको क्वालिटी में कोई डिफरेंस लगता है कि इसमें मतलब बेटर निकल रही है या उसमें अच्छी निकल रही थी, क्या हार्डनेस में क्या डिफरेंस आ रही है? दोनों में क्वालिटी सेम है, लेकिन फ्री ऑन ज़्यादा बेटर है, बेटर लगता है आपको? बेटर लगता है। ठीक, ओके। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले जो प्लांट यहाँ लगा हुआ था ना, ये अमोनिया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ अमोनिया चलाने के लिए, अमोनिया के लिए मतलब इस तरीके के सिस्टम होते थे, इसके पीछे अमोनिया ही प्लांट लगा हुआ है। ये बाद में हम लोगों ने इसको फ्री ऑन के अंदर इनको कन्वर्ट करके दिया, क्योंकि बेसिकली इतना मेंटेनेंस आता था कि पूछो मत, मतलब सामने वाले को कुछ मिलता ही नहीं था इस पूरे प्लांट के अंदर। ये देखो आप, रिसीवर लगा हुआ है। अब मेरे बैक साइड में आप आगे देखोगे तो ये अमोनिया प्लांट का कंप्रेसर लगा हुआ है, और यहाँ से वापस हम उड़ेंगे तो ये सारा सिस्टम पार्टी ने बंद करके ये फ्री ऑन लगवाया है। जो अभी हमने तो जितना देखा ये सारा इन्होंने फ्री ऑन लगवाया है। और हम अगर स्टाफ की भी अगर बात करें ना, तो इसके अंदर स्टाफ बहुत ज्यादा लगता था, मतलब 3-4-5 आदमी लगते थे, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा। आज इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं, 6 महीने से प्लांट इजीली चल रहा है। काट दो। तो अभी मैं
मनीष जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्लांट आपने कब लिया हमसे? ये 6 महीने पहले हम लोग मंगाए थे। 6 महीने पहले, तो आज 6 महीने बाद में आपको क्या रिव्यू मिल रहा है? प्लांट सही चल रहा है आपका? प्लांट एकदम सही चल रहा है, कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है अभी तक, कोई मेंटेनेंस 6 महीने में? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं है ना 6 महीने के अंदर? नहीं है। तो मनीष जी, ये प्लांट जब आपने ऑर्डर किया तो आपको प्लांट कितने दिनों में मिल गया था? 20 दिन के अंदर पूरा मिल गया। कंपनी ने आपको 30 दिन बोला होगा, लेकिन आपको 10 दिन पहले ही मिला। 10 दिन पहले मिल गया। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और बर्फ की अपन बात करें तो आपका बर्फ कितने घंटे में जम जाता है? 25 घंटे लगता है, क्लियर जम जाता है। क्लियर जम जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो थैंक यू। आपके रिव्यू के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है? अभी आपने देखा कि जैसे ये 2 टन का जो प्लांट था, ये मैंने कंप्लीट आपको व्यू दिखाया कि 2 टन का प्लांट कैसे है। उसके साथ में मनीष जी का रिव्यू भी मैंने रखा, मनीष जी का जो प्लांट इन्होंने चलाया इनको कैसा लगा। अगर आपको हमारे प्लांट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और यूँ ही हमारा पावर टेक रेपरेशन का साथ देते रहें, यही हम आपसे आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।